लोकतंत्र के महापर्व पर मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। और अगर बात की जाए मतदान केंद्रों के भ्रमण की, तो गोरखपुर से लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन ने कई मतदान केंद्रों का भ्रमण किया। इसी भ्रमण के तहत हमारे सिटी वन संवाददाता से बातचीत करते हुए रवि किशन ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश से ही 74 सीटें भाजपा को मिल रही हैं। सदर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन जी, आइए जानते हैं कि रवि किशन जी आप हर बूथ पे जा रहे हैं, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं आप? ऐतिहासिक उत्सव है, पूज्य महाराज जी का सम्मान लौटाने के लिए पूरा गोरखपुर सड़क पर आ गया है। मंदिर की सीट मंदिर को लौटा रहे हैं, गोरखपीठ की सीट गोरखपीठ के मंदिर में जा रही है, और हम लोगों की ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर मजबूत सरकार बन रही है। वह शंखनाद गोरखपुर से हो गया, पूरे पूर्वांचल में खबर फैल गई। आखिरी चरण का ये चुनाव है और लोग बाहर घर से बाहर निकल के आ रहे हैं, और अब अभी तक बीजेपी को आप कहाँ पा रहे हैं? ये सब जो बाहर निकल के आ रहे हैं ये गठबंधन की जमानत जब्त करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी, इस देश को मोदी जी चाहिए। और सबको पता है प्रधानमंत्री का चुनाव है गांव और ग्राम का नहीं। हम लोग 73 प्लस, हम लोग 74 हमारा। तो हमारे साथ थे रवि किशन जी जो सदर लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं, और इस बार इनका दावा है कि इस बार फिर मोदी सरकार आएगी। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ रुपेश कुमार, सिटी वन चैनल।